हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैनबेरी ब्लश। और आज हम लोग बनाएंगे मेयो सैंडविच, जिसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कैप्सिकम, ऑनियन, मेयो एंड बटर। चॉप कर लेंगे कैप्सिकम को फाइनली और ऑनियन को भी, जैसे कि इस तरह कुछ देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को कॉर्न भी लेना है टू ऐड अ स्वीट टेस्ट टू इट। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे गैस को ऑन, और उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल, और अकॉर्डिंग टू योर विश आप बटर भी डाल सकते हैं फॉर टू ऐड मोर टेस्ट टू इट। उसके बाद हम लोग हीट होने के बाद कैप्सिकम को डाल देंगे। कैप्सिकम को अच्छा से प्री कुक कर लेंगे, उसमें ऑनियन भी डाल देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से कुक करने के बाद हम लोग इसमें सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून, शुगर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और एक छोटे चम्मच से हम लोग पेपर डालेंगे, क्योंकि पेपर भी इसका अच्छा लगता है स्वाद, तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और एक चिली को हम लोग फाइनली चॉप कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसको कॉर्न के साथ इसी डाल देंगे, वो पीस को ऑनियन और कैप्सिकम का उसमें, जैसे आप देख सकते हैं। अच्छे से स्टिर कर लीजिए। फिर उसके बाद इसमें मेयो डाल देंगे। आपको मेयो इसमें ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसको क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए हम लोग को मेयो का मेन इंग्रेडिएंट है, तो डालना ही है इसमें अच्छे से। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेयो मैंने यूज़ किया था, वेज मेयो है। आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट मैंने टेस्टी बनाने के लिए बटर को लगा दिया है 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड में। आप इसमें सॉस भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा दिया है। उसमें मैंने फिलिंग डाल के उस ब्रेड को अच्छा से कुक करने के लिए ऑयल दोनों साइड लगा दिया था, और इसे मैं अच्छा से क्रिस्प करने के लिए पूरा रेड, जैसे कि आप देख सकते हैं, बना लूँगी टू मेक इट टेस्टी। और इस तरह कुछ हम लोग अपने को कुक कर लेंगे। उसके बाद इसे मैंने कट कर दिया है टू गिव इट अ डेकोरेटेड। ये आप देख सकते हैं, कटिंग हो गई है, जस्ट टू डेकोरेट इट नाइसली आई हैव पुट इन द प्लेट एंड इट्स डन। आई होप यू गाइस लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।